तो राजा परीक्षित ने बड़े अच्छे सवाल पूछे कि प्रभु मेरी मुक्ति का उपाय बताएं। कि तस्मा भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यम कृतव्यस्य श्रोतव्यम भयस्य। भगवान क्या श्रवण करें, क्या सुने, कोई ऐसा उपाय आप बताएं। गुरुदेव अब मेरे जीवन में केवल 7 दिन बचे हैं। सुखदेव भगवान बोले, राजन इतनी चिंता, इस मिट्टी के शरीर की इतनी चिंता, 7 दिन में तो सबको जाना ही है। सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन आपको हम सृष्टि के बारे में बताते हैं। पहले अपने श्वास के जीतो, जिसने अपने प्राण जीत लिया, श्वास जीत ली, तो वो आसन जीत लिया, उसका जीवन में उद्धार हो जाएगा। क्या जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया। जितासनो का मतलब है पहले आसन को जीतो, बैठने का अभ्यास करो पालथी मार के, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, ये नहीं चलेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सुखदेव भगवान कह रहे हैं। जितासनो जित श्वास, श्वास को भी जीत लो। अच्छा संग भी अच्छे का करना चाहिए, जित संगो। भाई बुरे आदमी की संगत लेगा तो वही लक्षण आ जाएंगे। ताश खेलने के वाले यहां बैठोगे तो वो ताश खेलने आ जाएगा। नेताजी के यहां चले जाओगे तो नेतागिरी अपने आप आ जाएगी, और ये करने वाले के यहां चले जाओगे ये भी अपने आप आ जाएगी। और जितेंद्रिया, मन को जितेंद्रिय रखो, एकाग्र रखो। कथा में बैठे हो और धार काटने की चिंता हो रही है कि कब छोड़ें और कब भागें। क्या भाई कोई भजन आए कीर्तन आए उसके बाद महाराज जी कहते जाओ हो गया काम। तो इसमें सुखदेव भगवान ने इस श्लोक में कहा है कि जिता सनो जित श्वासो जितेंद्रियो जित संगा। संग भी अच्छे का करना चाहिए, जभी तो जीवन में उद्धार होगा। भगवान के चरणों में अपना मन लगाओगे तो जीवन में कल्याण हो जाएगा।